हेलो हेलो फूडी, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मैगी का रैपर क्यों दिखा रही हूँ। भाई आज हम बनाएंगे बिल्कुल रैपर वाली मैगी, जिसे देख के सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो हम आज बनाएंगे बिल्कुल चिपकी हुई नहीं, एकदम बिखरी बिखरी मैगी। तो यहाँ पे हमने ले लिए 2 पैक मैगी के। उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और साइड में रख दिया है। फिर उसके बाद हमने वो वेजेस लिए जो हमने मैगी के पैकेट के ऊपर देखी थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थोड़ी सी ब्रोकली, साथ ही साथ थोड़ा अनियन, थोड़ा सा टमाटो और थोड़े से मटर और कॉर्न। इन सबको हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर देना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आवाज़ है ना, मुझे बहुत सही लगती है यार, बहुत सही। जो तड़के वगैरह की आवाज़ होती है, रुको मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। भाई तो लगी ना ये बहुत ही भयंकर वाली मस्त आवाज़। तो ये आवाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये जो सब्जियाँ हैं, इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें सॉटे कर देना है। हम इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, हम इसमें सॉसेस वगैरह डाल देंगे तो हमारी जो मैगी है वो फिर से वही देसी मैगी या स्ट्रीट स्टाइल मैगी का कलर ले लेगी। वो वाली स्टाइल की नहीं बनेगी जो हमें पैकेट वाली देख के जिसको मन करता है कि भैया ये फटाफट से मैगी बना लें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया है। इसके बाद हमारे जो मैगी के अंदर मसाला होता है वो हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पर 2 पैक मैगी बना रहे हैं, तो 2 सचे मसाले के हमने इसमें डाल दिए। आप चाहो तो इस रेसिपी में ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है, जब तक कि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो बॉयल की हुई मैगी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आपको जब पता लगे ना कि मसाले की भीनी भीनी से खुशबू आने लग गई है, मसाला अच्छे से पकने लगा है, तो बस फिर उसी स्टेज पर मैगी डाल देंगे। अब मैगी का तो क्या परम धर्म है चिपकना, तो ये तो चिपक ही गई थी, लेकिन इसको जब हल्का सा हमने हाथ से किया तो वो खुल गई। और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर आप चाहो तो केचप डाल सकते हो, थोड़ा सा लेमन डाल सकते हो। मैंने इसको सिंपल ही रखा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी मैगी बनी है जो पैकेट के ऊपर थी। आइए इसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बाइट आप सभी के लिए है। तो ये देखिए हमारी ये जो मैगी है बिखरी बिखरी बन के रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस थी और बहुत ईजी भी है इसे बनाना। तो अगर आपको ये लव वैली मैगी का जो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नीचे कमेंट कीजिए।